सो दिल से थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, एंड थैंक यू सो मच। एंड नाउ मैं लाया हूँ एक ट्यूटोरियल वीडियो, सो आई होप तुम्हें ये ट्यूटोरियल समझ आने वाला है और तुम्हें पक्का मज़ा भी आने वाला है इस वीडियो में, आई होप सो। सो पूरी वीडियो देखना जिससे तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं कुछ नीचे टाइम्स दे दूंगा जिससे तुम लोग क्लिक कर मतलब अपने उस जगह पे स्किप कर सकते हो। यो सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हेलो, सो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कैसे एडिट कर सकते हैं। अब मैं आ जाऊँ उसके ऊपर। आ जा। दोनों गिरे। सो मोशन जूम बहुत इजी है, जहाँ पे तुम्हें जूम करना है तुम पहले उधर जूम कर लो। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस पार्ट में मेरे को जूम करना है, तो मैं इसको स्प्लिट हेड प्ले हेड कर लूंगा लाइक दिस। अब हम लोग करेंगे जूम, बैठाया बंदे पे एंड बराबर इक्वल। सो ये रहा, मैंने इसको अभी कट किया, लेकिन हम लोग इसके स्टार्टिंग में फिर थोड़ा सा करेंगे कट, जिससे वो हम मोशन जूम बैठा पाए। ये फर्स्ट पार्ट, देन अब मैं करूंगा इस पे ये इक्वल्स टू ऑफ कर दूंगा। हमें जो है इस स्क्रीन पे डबल टैप करना है जिससे नॉर्मल हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे एक बीप साउंड इफेक्ट, कोई भी बीप साउंड इफेक्ट बैठा देना। टेटो हम लोग बैठाएंगे अपने टेक्स्ट, लाइक ये मैं यहाँ पे बोलता हूँ हे। इधर टेक्स्ट में जाने का, देन यहाँ पे लिखने का, इन कोई भी मोटा सा फॉन्ट ले लो। मेरे पास अभी कोई फॉन्ट अवेलेबल है नहीं, तो मैं लेटरबॉर्ड लूंगा, ये फॉन्ट भी एक तरफ से सही है। देन ऐसे, देन इसकी बनाएंगे एक आउटलाइन, आउटलाइन ये रहा। तड़ा चलोगे, थैंक्स टू मॉर्टर मार्क जिससे मैंने ये सीखा सबटाइटल्स के बारे में, और यस ही इज द डोपेस्ट यूट्यूबर। बट यहाँ पे अब हम जाना पड़ेगा इन एनिमेशन में फॉर एक एनिमेशन जिसको कहते हैं पॉप, ताकि हम लोग जब बोल रहे हैं तो उस समय ये बहुत ओपी वाली इफेक्ट देती है, लाइक दिस। मैं चिल्लाता हूँ यहाँ पे इधर, लाइक यहाँ पे ना, हाँ तो यहाँ पे मैं चिल्लाता हूँ। देन यहाँ पे मैं रुकूंगा एक स्क्रीम, मैं यहाँ तक कम से कम चिल्लाता हूँ। तो इधर तो बेसिकली मैं यहाँ पे चिल्लाता हूँ बोल के, इसलिए यहाँ पे हम लोग अब इस पर क्लिक करेंगे। तो देखो एक चाबी वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है, और ये चाबी वाला ऑप्शन है एनिमेशन। अब हम लोग यहाँ से करेंगे अपना शेक। तो मेरा प्रवचन ये है कि तुम लोग समझो कि जब भी कोई चिल्लाता है या जोर से बोलता है तो यहाँ पे इस शेक को लगाया जाए। तो बेसिकली बस हम लोग थोड़ा आगे आगे जाएंगे और इसको थोड़ा इधर उधर खिलाते रहेंगे, तो जिससे देख रहे हो कि अपने आप ही पिंट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पिन करके अपनी लेफ्ट तरफ किया तो इधर जाके ऐसी मूवी तैसे राइट होगी, ईजी। नाउ अब मेरा फ्रेंड बक रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो मेरा टेक्सचर्स है मैं उसके माथे पे बैठाऊंगा, मतलब माथे में दिखा बटन बैठा के उस पर मूवमेंट करूँ। मैंने इधर ये फेंका तो इसके लिए मैं इधर ये करूं। तो मैं इस फॉन्ट को काम करता हूं, इसके सर के ऊपर ही चिपकाए रखता हूं जिससे थोड़ा सही लगे। तो इस बंदे ने चार बार कहा कि आ जा, तो मैं इसको चार बार करके बैठाऊंगा आ जा, तो मैंने इसको ऐसे बिठाया। और यहाँ पे मैं एक बार चिल्लाता भी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा एक स्क्रीन शेक, तो तुम लोग स्क्रीन शेक भी सीख लो लाइक दिस। यहाँ पे मैंने दिया एक वो, तो डुप्लीकेट एज लेयर,
देन अब मैंने इसको डुप्लीकेट किया, देन इसको हम लोग कर देंगे थोड़ा स्क्रीन साइज पे फिट, देन हम लोग करेंगे स्क्रीन को शेक। जैसे हम लोगों ने अपने फॉन्ट्स को शेक किया था वैसे हमें स्क्रीन को शेक करना है। ऐसे कुछ चलाता हूँ वो टाइप के, हमारा काम हो गया। अब मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। अब मैं आ जाऊँ इसके ऊपर। ओके देन बाय। ओके इट्स ओके डराओ। ओके बहुत इजी है, बस जहाँ पे तुम्हें कोई साउंड इफेक्ट आइडिया हो वहाँ पे वो बैठा दो, जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे आइडिया हो रहा है और मेरा बेस्ट साउंड ये हो रहा है। बट्टा चार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, बस इसे ऐड कर देना और कुछ नहीं। साउंड इफेक्ट जहाँ पे तुम्हें आइडिया जो हो उस पे ऐड कर लेना, तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारे साउंड इफेक्ट से आइडियाज भी बढ़ते रहेंगे। सो रिजल्ट तुम लोग देख लो। दोनों गिरे।